सरलता के साथ में नागालैंड को आप पूरी दुनिया को दिखाते हैं अपने माध्यम से। नागालैंड जैसा प्रदेश जो है हमारे देश के विभिन्न भागों में अलग अलग सोच विचार है उसके बारे में, और बहुत कुछ 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 कहानियां बना के बोल देते हैं, या कुछ लोग छोटे से चीज को देख के समझ के वो अपने अनुवाद करते हैं। मगर हमारे काम यही है, मंत्री की हैसियत से नहीं मगर एक नागरिक होने की हैसियत से, भारत का एक नागरिक होने की हैसियत से, हमारे राज्य के बारे में, हमारे पूर्वोत्तर के बारे में जो सरलता से हमारी संस्कृति और हमारे रहन सहन और बिना कोई तामझाम के उन चीज़ों को हमारे देशवासियों के सामने पहुंचाना और उन चीज़ों को समझाना और समझना, वो हमारे कर्तव्य में महसूस करता हूँ। जैसा कि आपने हमसे कहा अभी कि आलोचना जब हम करना शुरू करते हैं तो पहले हमें खुद से करना चाहिए ताकि लोग समझ सकें, लेकिन जब मैंने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखा तो उसमें देखा कि 320 के फॉलोअर आपके ट्विटर पे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं। महिलाओं के बीच में इतने फेमस है फिर भी सिंगल हैं? महिला कौन पसंद नहीं करते, हम सब पसंद करते हैं, और चूंकि मैं शादीशुदा नहीं हूं तो उसका पहुंच और थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अगर महिला हमारे फॉलोअर नहीं होगा, सिर्फ आदमी होगा, तो मेरे लिए वो बदनसीबी का बात है। मगर बहुत सारी महिलाएं हमारी फॉलोअर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहन लोग हैं, दोस्त लोग हैं, माताएं हैं, तो उन सब चीज़ों से चल जाते हैं। यहाँ बैठे हुए पुरुष आपसे कहीं कहीं थोड़े जल रहे होंगे, आपकी इतनी सारी महिलाएं फॉलोअर्स से थोड़े टिप्स दीजिए। जलने वाले जलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। अर्णव जी भी बहुत दिमाग लगा के आप तीनों को यहाँ बैठा दिया। मैं कोपचे में यहाँ फंसा हुआ, इधर घूमूं या इधर घूमूं, आगे देखने से ठीक है। चूंकि ये जो मीनाक्षी ने जिस बात का जिक्र किया है, अक्सर आप बड़े बेबाक अंदाज में, इसी अंदाज में आप अपनी बातों को रख भी देते हैं। आमतौर पर जो नेता होते हैं वो इतनी बेबाकी से चीज़ों को रखने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और डरते हैं, तो ये कहें कि आपका न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जिसके जरिए आप लोगों के, मतलब लोगों तक रीच बढ़ाने की एक जो आपकी एक अदा है वो ये है कि कम से कम लोग समझें कि उनके बीच में मौजूदगी रहे, ये एक आपका स्टाइल नहीं? ये कोई स्टाइल नहीं है। अगर मन में जो है वो सही मुंह से निकल देगा तो सुनने वाला समझ जाते हैं कि ये सोच के बोल रहे हैं या कुछ और कोपचे वाला बात है। तो सादगी से अगर हम लोग जो परिस्थिति में हैं और जिस माहौल में हैं उस हिसाब से हम अपने बातों को सोशल मीडिया में रख देते हैं, तो उन चीज़ों को मेरे व्यक्तिगत जो है उसके द्वारा वो निकल। आइडिया कैसे आपको आया कि सोशल मीडिया के जरिए अगर एक नेता पहुंचता है, एक जरिया बनाता है, तो ये लोगों के बीच अपनी मौजूदगी को दर्ज करने का एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, ये आइडिया कैसे आया? नेताओं को आप देखिए ना, बहुत गंभीर होता है सब, सोचते कि बुरा मत मानिए और हंसते नहीं है। गंभीर रहेगा तो सोचते बहुत बड़ा नेता है। इंसान है हम लोग, थोड़ा बहुत हंसना चाहिए, गलतियाँ थोड़ा बहुत होता है और कभी कभार अपने आप फंस भी जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के चक्कर से निकल के अगर हम लोग अपने जिस तरह का व्यक्तित्व है उन चीज़ों को अगर हम लोग छोटे से तरीका से अगर हम लोग लोगों तक पहुंचने के लिए अगर कोशिश करें और लोगों को हम लोगों तक पहुंचने के लिए आसान कर दे, तो उससे बड़ा चीज़ हमारे लिए तो कुछ मतलब और बात है। मतलब ये कि आम लोगों के बीच में उनको ये बताना कि हम आपके नेता तो हैं लेकिन हम आपकी तरह ही हैं और ऐसे ही रहकर सेवा करेंगे। अब सर आगे